हैं? बाकी क्या अब दिखा क्या रहे हो तुम? अतीक, अतीक की बीवी, केजरीवाल का घर। अबे आदमी हो या पजामे हो तुम? गोदी मीडिया वालों, खाली अतीक, खाली केजरीवाल का घर। अबे बेटियां तुम्हारी नहीं है, अबे बेटियां देश की नहीं है, अबे इन्होंने देश का मान नहीं बढ़ाया, अबे देश की शान नहीं बढ़ाई इन्होंने। अबे बेशर्मो, तुम अतीक की बीवी, अतीक की बीवी, केजरीवाल का घर। अबे तुम आदमी हो जानवर? कहते दोगलापन कर रहे हैं। बताऊं, ये जो मारना मारने के काम चल रहा है ना, गोलियां मार रहे हैं लोग, ये टीवी वाले मरवा रहे हैं। सुना है वहां 200-400 गुंडे पहुंच चुके हैं और वो गुंडे कह रहे हैं हम पहलवान जी तुम्हारे साथ हैं और तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे, हम पजामों में से बाहर आ जाएंगे। ओ चोरो, शर्म आती है यार, छोटे छोटे मामले में सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ रहा है। जो मामले यहाँ सीएमओ में निमट जाते थे। मैं सरकार से, भारतीय सरकार से कहना चाहता हूँ कि यार शर्म को भी शर्म आने लग गई है, बहुत हंसी उड़ चुकी है। मेरे देश के गौरव संविधान को बहुत बड़ी दिल पे ठेस लग रही है। सारी दुनिया आज दिल्ली के जंतर मंतर पे टक टक आगर लगा कर देख रही है, सारी दुनिया। क्यों? इन बच्चों ने, इन बेटियों ने मेरे देश की आन बान शान सारी दुनिया में बढ़ाई है। आज इनको इंसाफ मांगने के लिए यहाँ बिठाना बैठना पड़ रहा है और बैठने के बाद आज सातवां दिन है, अभी खाली FIR हुई है। मैं इस सरकार से पूछना चाहता हूँ, क्या मोदी सरकार, आप अपने आप को, अपनी सरकार को बचा पाएंगे? आज आप सारी दुनिया में बदनाम हो रहे हैं, देश में नहीं, देश की तो गली गली देख रही है आपको। ये ऐसा काम छिड़ गया है, ये किसान से भी बड़ा मामला है, समझ लो मेरी बात को। मैं वही तनवीर हूँ, देखो बहुत कम समय में निकलता हूँ मैं आंदोलन में। या तो मैंने 84 दंगे का विरोध करने के लिए जंतर मंतर पे आया था, या किसानों के साथ सिंघू बॉर्डर पे रहा था, या आज बेटियों के लिए आया हूँ। अपना मामला भी मैंने उठा के रख दिया है, जो आपकी सरकार ने 22 साल पहले मेरा घर तोड़ा था और मुझे घर नहीं मिला आज तक। आज भी मैं वीरानों की जिंदगी काट रहा हूँ। जहाँ रहता हूँ नरेला में, हर साल 2 बार डेमोलेशन होता है, लेकिन मुझे उस दुख का कोई मलाल नहीं है। आज दुख का मलाल है इसका, जो मेरे देश का गौरव, मेरे देश की बेटियां, जिन्होंने मान सम्मान मेरे देश के तिरंगे की आन सारी दुनिया में बढ़ाई है, आज वो मायूस बैठकर यहां रो रही हैं। मोदी जी, इसको पूरी दुनिया देख रही है, बहुत बुरा मैसेज जा रहा है मेरे देश की बेटियों का। जो बेटियां आने वाले वक्त के लिए तैयार हो रही थी, उनका मनोबल टूट रहा है। उस मनोबल को बचाने के लिए इस आदमी को फौरन गिरफ्तार कर लो, इसकी सदस्यता रद्द कर दो, इसके ऊपर कानूनी कार्रवाई करो, बचने का यही रास्ता है। यानी आपने किसान आंदोलन का बिल वापस क्यों लिया था? आपको मालूम था कि यूपी के अंदर क्या होने जा रहा था? उठ जाना चाहिए ना, तो FIR दर्ज हो गई है बोल रहे हैं। नहीं नहीं, उसको गिरफ्तार करो ना, फिर बेकार हो जाएगा। ये गलत कर रहे हैं। मैं तुम्हारे माध्यम से बताना चाहता हूँ, दिल्ली सरकार, राहुल गांधी, आप यहाँ से स्पेशल मदद करो इनकी, जनता दल ऑफिस वालों, इनकी मदद करो, इनको लाइट मत करने दो, किसी भी कीमत पे इनको लाइट दो। और बाकी जिन भाइयों के अंदर जेब की ताकत है, मैं गरीब आदमी तनवीर भारती, मेरे जेब में इतनी ताकत नहीं है, जिनकी जेबों में ताकत है वो 1-2 जनरेटर ला के रख दो यहाँ पे, ये दिक्कत जरूर पहुँचाएंगे, ये इनका मनोबल तोड़ेंगे, इनको डराएंगे, इनको भगाने की कोशिश करेंगे। अभी लोहा लाल है, हथौड़ा मारने का वक्त अभी है। इनकी हिम्मत को टूटने मत दो, इन बेटियों के मनोबल को टूटने मत दो। ऐ दिल्ली वालों, हमने निर्भया को इंसाफ दिलाया था, आओ आओ, इन बेटियों को इंसाफ दिलाना है इस जालिम सरकार से। भड़का रहे हैं सीधे सीधे। नहीं नहीं नहीं, मुझे कौन सी राजनीति करनी है, मुझे कौन सा MLA का चुनाव लड़ना है, मैं कौन सा कहीं का पार्षद हूँ, मैं कौन सा किसी पार्टी से हूँ, मैं आम आदमी, आजाद उम्मीदवार, मजदूर हूँ यार। नशे और अपराध के खिलाफ 40 सालों से बोल रहा हूँ, 35 सालों से लड़ रहा हूँ, बड़े बड़े नुकसान उठाए हैं,
राजनीतिक साजिश हो रही है इस मामले। मैं कैसी राजनीति कर रहा हूँ, यहाँ राजनीति नहीं हो रही है। जो राजनेता भी आ रहा है वो बेटी के लिए आ रहा है, क्या कौन बेटी वाला नहीं है? मेरे दोस्त, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, इस देश में कोई घर ऐसा है जो बेटी वाला ना हो? कोई घर ऐसा है? मोदी जी ने सब कुछ जब अच्छा किया, इतना जरूरी क्या है हर चीज के लिए आप लोग दौड़ पड़ते हैं? नहीं नहीं, ये जायज काम होगा, उनकी गिरफ्तारी जरूरी है, उनकी सदस्यता जाना जरूरी है, जब ही मामला बचता है। मोदी जी को हमेशा क्यों लक्ष्य बनाते हैं? मोदी जी ने क्या किया भाई? वो अपने सिस्टम में लेके कौन बैठा है डकैतों को? डकैत किसने बिठा रखे हैं वहाँ सिस्टम में? मैंने बिठा रखे हैं। दैनी कौन है? क्रिमिनल नहीं है क्या? क्रिमिनल नहीं है क्या? माफिया नहीं है क्या? अपराधी नहीं है क्या? उसके बेटे ने गाड़ी चला दी थी किसानों के ऊपर, हैं? सरकार में से उसको निकाला नहीं गया, इसलिए उस पर कार्रवाई ढीली हुई। जेल में तो गए, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे। शर्म आती है यार, छोटे छोटे मामले में सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ रहा है। जो मामले यहाँ सीएमओ में निमट जाते थे, अब सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ रहा है। शर्म आते है यार, इस्तीफा दो यार, ऐसी सरकार बेकार है, देश का नाश कर दिया तुमने। ये जुमलेबाज जिन्होंने मेरे देश को झूठ बोला, एक भी सच नहीं बोला, टोटल झूठ। क्या बोला? हमने राम मंदिर बनाया। यार दूसरे के बाप को बाप कह रहे हो? राम मंदिर का कौन सा काम तुमने किया मुझे बताओ? राजीव गांधी ने बाबरी मस्जिद का ताला तोड़ के मूर्ति रखी थी, 6 दिसंबर 1992 को नरसिम्हा राव ने तुड़वाई, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, तुमने क्या किया? तुमने तो राम के नाम पे धन इकट्ठा किया, हर 10-20 साल में राम के नाम पे धन मांग लेते हो, दुनिया सोने चांदी की ईंटें डालती है, आप अपना मजे मार रहे हो उस पैसे में, हवाला के जरिए बाहर भेज रहे हो पैसा, अडानी अंबानी के जरिए बाहर भेज रहे हो पैसा, हमारे देश को बेच रहे हो आप, देश की सीमाएं बेच रहे हो, खुलेआम दिख रहा है, चीन दो तरफ से घुस रहा है हमारे यहाँ, आप कहते हो कहीं भी नहीं घुस रहा है, झूठ बोलते रहते हो यार। आपने बोला था मैं साल के 2 करोड़ नौकरी दूंगा, कितना बेरोजगार घूम रहा है यहाँ, शरम आती है यार। आपने बोला था 15 लाख दूंगा, किसको दे दिया यार? आप पे आए होंगे तो पता नहीं, मेरे पे तो आए नहीं, ना इन पे आए, बुरा हाल है यार, हर बात झूठ बोलते हो, चाहे देश की जनता पागल है। अरे 2024 आने वाला है, ऐसा तमाचा मारेगी ये जनता, इंदिरा गांधी को 2 बार धूल चटा दी थी इस जनता ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू को भी 2 बार हराया था इन जनता ने। मेरे देश की जनता को पागल मत समझो, और तुम कहते हो हम यूपी में माफिया मार रहे हैं, अरे झूठ बोलते हो तुम, विपक्ष को मार रहे हो, विपक्ष को। आजम खान कौन है? विपक्ष है। लालू यादव कौन है? विपक्ष है। दौर ये जो था जिसका अभी टीवी पे चला रहे हो तुम, यानी बेटियों को नहीं दिखा रहे, बेटी के बारे में 1 सेकंड को बोलते हो कि बेटियां वहां बैठी हैं, हैं? बाकी क्या अब दिखा क्या रहे हो तुम? अतीक, अतीक की बीवी, केजरीवाल का घर, अबे आदमी हो या पजामे हो तुम? अबे तुम कैसे लोग हो बे? अरे ये टीवी वाले, अबे शर्म आने लगी बे, तुम चौथा स्तंभ नहीं हो सकते, तुम दाग हो मेरे देश पे, तुम कलंक हो मेरे देश का। गोदी मीडिया वालों, खाली अतीक, खाली केजरीवाल का घर, अबे बेटियां तुम्हारी नहीं है, अबे बेटियां देश की नहीं है, अबे इन्होंने देश का मान नहीं बढ़ाया, अबे देश की शान नहीं बढ़ाई इन्होंने, अबे बेशर्मो तुम अतीक की बीवी, अतीक की बीवी, केजरीवाल का घर, अबे तुम आदमी हो जानवर? कहते हो हम चौथा स्तंभ है, नहीं, झूठ का भंडार हो तुम, चौथा स्तंभ नहीं हो सकते। तेज न्यूज है, बहुत जल्दी खबर पहुंचाता है ना यार, दोगलापन कर रहे हैं। बताऊं, ये जो मारना मारने के काम चल रहा है ना, गोलियां मार रहे हैं लोग, ये टीवी वाले मरवा रहे हैं, 1 हफ्ता पहले बता देते हैं ये, कैतिक को रास्ते में मार दिया जाना चाहिए, ऐसे आदमी को गोली मार देनी चाहिए, और 1 हफ्ते के बाद इनके गुर्गे तैयार हो जाते हैं। गाड़ी कब पलटी? नहीं, गाड़ी पलटी के दास जी, क्या बोला? जैसे वो लड़कों का नहीं करा इनकाउंटर, उसके बेटों का अतीक के, तो क्या बोलते हैं? अरे तुम कह रहे थे गाड़ी पलट जाएगी, अब हम बाइक पलट देते हैं। दूसरे सरस सिंह का भी इंटरव्यू लिया है, लेकिन उन्होंने सुधीर चौधरी ने लिया है ब्लैक एंड व्हाइट में। बस जी, हम तो ये चाहते हैं, ऐलान किया है, क्या ऐलान किया? नहीं देंगे अभी जब तक अपराधी पद पे रहते हैं। मैंने सुना है वहाँ 200-400 गुंडे पहुंच चुके हैं, और वो गुंडे कह रहे हैं हम पहलवान जी तुम्हारे साथ हैं, और तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे, हम पजामों में से बाहर आ जाएंगे। ओ चोरो, अब देश की जनता देख रही है तुम्हें। बात कर रहे हैं आप?
अरे वो उनके वर्कर पहुंच गए हैं वहां पे उसके घर पे कि हम तुम्हारी तरफ से धरना प्रदर्शन करेंगे और लड़ेंगे और जाके उन्हें बेटियों को भगा देंगे और ये कर देंगे और तुम घबराओ ना। तो इस तरह की बातों से और मेरे देश की रुसवाई होएगी और मेरे देश की हंसाई होएगी। यहाँ पे रोक रहे हैं जो लोगों को, ये पहलवानों को रोका जा रहा था कि जो है प्रदर्शन करने से, या अब क्या रुकने वाले हैं पहलवान? देखो जी, अब तो फैसला होगा, अब तो जेल जाएगा बंदा, क्योंकि उसने काम ऐसा कर रखा है कि जेल तो उसे जाना चाहिए संवैधानिक तरीके से। अगर मेरे देश का लोकतंत्र बचाना है, अगर मेरे देश का लोकतंत्र बचाना है तो जेल भेजना पड़ेगा मोदी जी आपको हर कीमत पे। इसको वैसे तो अपराधियों का भंडार है आपके यहाँ, मैं नहीं कहता, लेकिन अभी मेन मौका आपके बचाने का यही है, देश की इज्जत बचाने का, कि इसको आप फौरन काम इस्तीफा दिलवाओ और इसको जेल में डालो। जय हिंद, जय भारत। मैं तनवीर भारती। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।